नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने पीएमओ से यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए की बात, तो जिलाधिकारियों को यूक्रेन में फंसे लोगों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश। मंगलौर और दिनेशपुर के कई बच्चे यूक्रेन में फंसे होने की सूचना। सियाचिन में शहीद हुए हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान को दी गई अंतिम विदाई। बड़ी संख्या में लोग शहीद की अंतिम यात्रा में हुए शामिल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी दी श्रद्धांजलि। नैनीताल हाईकोर्ट में बिजली के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ दायर की गई याचिका। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 4 मार्च को अगली सुनवाई। उत्तराखंड को कोरोना संक्रमण से राहत। राज्य में अब महज 949 एक्टिव केस। 24 घंटे के दौरान 170 लोग मिले संक्रमित, 2 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड के कई इलाकों में फिर बदला मौसम का मिजाज। उत्तरकाशी और गंगोत्री में बारिश की ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से बढ़ी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे कई भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। इनमें मंगलौर क्षेत्र से 5 बच्चे भी शामिल हैं, जिसको लेकर परिजन लगातार सरकार से बच्चों को सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मंगलौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता जमीर हसन का बेटा भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। इसको लेकर जमीर हसन ने बताया कि उनका बेटा से लगातार उनका संपर्क बना हुआ है, वहां की सरकार ने उन्हें सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है। आपातकालीन स्थिति में बंकर में सुरक्षित रहने के लिए भी छात्रों को सूचित किया गया है। वहीं इसको लेकर सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक पोखरियाल ने आश्वासन दिया है कि पीएमओ से लगातार वार्ता की जा रही है, जल्द ही उत्तराखंड के भी सभी छात्रों की वतन वापसी होगी। मेरा बेटा अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। वैसे तो यूक्रेन में 1.5-2 महीने से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे थे। हम इसमें भी लगे हुए थे कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन पढ़ाई की वजह से थोड़ा डिले हो गया। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का। 26 फरवरी को यानी कल उसे घर आना था, तो घर में भी उसकी तैयारी चल रही थी, भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा। उसकी मम्मी खुश हो रही थी, ये बना खुलाऊंगी वो बना खुलाऊंगी। तो कल जैसे ही 24 तारीख को पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो एक बार तो झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह को याद किया और सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा सब ठीक ही होगा। तो कुछ दिल को सुकून मिला। तभी कुछ देर के बाद बेटे की कॉल आ गई। उसने कहा, डैडी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और अपने हॉस्टल में हूँ और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो उससे बात करने के बाद दिल को एक सुकून मिल गया। तो तब से हम लोग बेफिक्र हैं। थोड़ी चिंता तो है अपने इकलौते बेटे के साथ साथ उन तमाम छात्रों की जो यूक्रेन में भारत से शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। सभी को लेकर मन चिंतित है, लेकिन डर नहीं है। हसन ने उसकी ईमेल पासपोर्ट वगैरह मंगाए थे। इससे पहले मेरी माननीय निसंग जी से बात हुई थी। निसंग जी ने कहा था
उससे पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी वहाँ हालात ऐसे हैं आप देख लियो। कल उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएमओ से, गृह मंत्रालय से और एम्बेसी से बात कर ली है और जैसे भी पॉसिबल होगा सरकार अपने स्तर से सभी बच्चों को वहाँ से सुरक्षित लेके उनके घर तक। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच अन्य भारतीय छात्रों के साथ उधमसिंह नगर के दिनेशपुर का एक छात्र भी फंसा हुआ है। परिजन छात्र की सलामती के साथ जल्द से जल्द उसके घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी भाजपा नेता दीपांकर राय का पुत्र अमन राय यूक्रेन की खार्किव शहर के इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। इस दौरान छात्र के पिता दीपांकर राय ने बताया कि युद्ध की आशंका के चलते अमन ने 28 फरवरी को भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी, लेकिन गुरुवार को युद्ध शुरू होने के बाद बच्चों को लेने गई एयर इंडिया की फ्लाइट भी वापस लौट आई। उन्होंने बताया कि बेटे से बातचीत हुई है, फिलहाल वह ठीक है। भारतीय दूतावास की ओर से छात्रों से संपर्क किया गया है और उनसे फॉर्म भी भरवाए गए हैं। ...2019 में MBBS कोर्स के लिए यूक्रेन में खार्किव शहर, जो खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्हें MBBS कोर्स के लिए गया हुआ है। इस साल उसका थर्ड ईयर है। अब इस समय घर आने के लिए टिकट वगैरह 28 को हुआ था, वो सब टिकट कैंसिल हो गया है और 24 के 23 के मॉर्निंग में वहाँ पर बारिश हुआ है और उसी में फंसे हुए हैं। किस तरह का निकाला जाए, मैं मोदी सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं उनको किस तरह से इंडिया में लाया जाए, इसके लिए प्रयास करें। और आपका आभारी रहूँगा जो यहाँ के बच्चे, हमारे देश के बच्चे जो फंसे हुए हैं, बहुत परेशान में, नाजुक स्थिति में हैं, उनको किस तरह से लाया जाए, ये आपसे अनुरोध है। वो मेट्रो जो स्टेशन है उसका जो कम से कम 70 फुट गहराई में वो लोग रात बिता रहे हैं और वहीं पे उसका सुरक्षित के लिए कहा गया है। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने के लिए जो अपने साथ ले गया था जो थोड़ा बहुत वो खा रहे हैं, जैसे केला है, फ्रूट है और कुछ और भी चीजें वो उनके साथ है। यूक्रेन मामले को लेकर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पास यूक्रेन में बसे उत्तराखंड वासियों की जानकारी नहीं है, तो उनको बचाने का क्या उपाय सरकार करेगी? कोई भी उपाय तभी किया जा सकता है जब सरकार के पास यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड वासियों की पूरी जानकारी हो। गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंडियों की जानकारी न होने का आरोप लगाया और कहा कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों को लेकर सरकार संजीदा नहीं है। देखिए, ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यूक्रेन की स्थिति कोई एक रात में डेवलप नहीं हुई। ये पिछले 15 दिनों से ये संभावना वहां पर जताई जा रही थी और पिछले 15 दिनों से वहां जो स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ भारत से वहां पढ़ने के लिए या कार्य कामकाज के मकसद से वहां गए लोग हैं, उनकी तरफ से मांग आ रही थी कि हमें वापस भारत बुलाया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। हमने भी समय रहते हुए सरकार से ये लिखित रूप में आग्रह किया कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड की सरकार ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और आज हमारे बच्चे और हमारे स्वजन आज वहाँ स्वयं जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में सरकार संजीदा है ही नहीं, सरकार संवेदनशीलता सरकार में लगी नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लोग फंसे हैं उनके लिए क्या होगा। सियाचिन के ग्लेशियर में शहीद हुए हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव देह डोईवाला के
कान्हरवाला गांव पहुंचा, जिसके बाद परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया और बड़ी संख्या में लोग शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए। इस दौरान डोईवाला के लाल को सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शहीद जोगिंदर सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेश जोशी ने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है और शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लेने के साथ ही शहीद के नाम पर सड़क, स्कूल का नाम भी रखा जाएगा। सोमवार से लेकर अभी तक हजारों हमारे वीरों ने उत्तराखंड की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और आज हमारे जनपद का जवान देवेंद्र सिंह चौहान आर्मड का देश की रक्षा करते शहीद हुआ है और शहीद का सम्मान करना देशवासी का कर्तव्य है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसके योगदानुसार नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथ ही शहीद के नाम पर जो परिवार वाले चाहेंगे सड़क का नाम या विद्यालय का नाम, इस सम्मान शहीद के नाम पर रखा जाएगा। यही शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और ऐसे संकट के समय पूरी सरकार इस परिवार के साथ में खड़ी है। जैसे कि ये खबर हम सबको पता चले कि उत्तराखंड का हमारा एक लाल एक बार फिर देश के काम आया, शहीद हुए और वीर गति को प्राप्त हुए, मन को बहुत दुख हुआ। ये अलग बात है कि समय समय पर जब देश को बलिदान की आवश्यकता पड़ती है तो उत्तराखंड उसमें नंबर एक पर आता है। फिर भी ऐसे मौके पर इस बहादुर भाई के ऐसे समय में हम सबको छोड़कर चला जाना मन को बहुत व्यथित करता है। उनके परिवार के बहुत ही करुण क्रंदन को सुनकर मन को दुख हुआ। परमेश्वर उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी, जिसको लेकर अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं की सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, जिसका अल्मोड़ा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां की सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बलों व पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है कि टाइम टू टाइम जो है समय समय पर हमें स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करना है, तो इसी तहत आज मैंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था में मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कवर्ड नहीं है, सब कुछ संतोषजनक है। यहाँ पे सभी सीसीटीवी व्यवस्था का, सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग फ्रिस्किंग व्यवस्था सभी का जायज़ा लिया हमने। स्ट्रांग रूम्स के सामने का सीसीटीवी व्यवस्था सब कुछ देखा हमने, संतोषजनक ही पाया गया है। छोटी मोटी जो होता है ना, छोटी मोटी जो ट्विकिंग्स होता है, माइनर ट्विकिंग्स, उसको हमने बताया है, बस और कुछ नहीं है। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए, तो वहीं डीआईजी ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 घेरे बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स, द्वितीय में पीएसी और तृतीय में जनपद स्तर से पुलिस बल लगाया गया है, तो वहीं रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए जनपद पुलिस से और प्रशासन से वहां पर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही अग्नि सुरक्षा के सभी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतगणना जो 10 तारीख को होनी है समस्त उत्तराखंड राज्य में, उसमें कुमाऊं रेंज में जो है सभी को मेरे द्वारा जो है निर्देशित किया गया है समस्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को कि वो अपना अभी से तैयारी कर ले, बैरिकेडिंग कराना हो या उसकी पार्किंग की व्यवस्था हो, और जो अधिकृत पास धारक हो वही मतगणना स्थल में जाए, उनकी जो बैठने की व्यवस्था जो एज पर मैप जो बना होता है, जो चुनाव आयोग से जो निर्देश आता है, उस प्रकार जो है पूरी व्यवस्था। हाईकोर्ट में राज्य में बिजली के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूरे मामले पर 4 मार्च तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के साथ ही याचिकाकर्ता से प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। सुनवाई के दौरान यूपीसीएल ने जवाब दाखिल कर कहा है कि जो उनके नियम और कानून है उसके तहत दी बिजली के दामों में वृद्धि की जाती है। नियम के अकॉर्डिंग ये एफडी को आप निकाल नहीं सकते, मगर यूपीसीएल ने इन एफडीओ को निकाल के उनको जहां खर्च किया है इसका ब्यौरा यूपीसीएल ने ना ही आरटीआई में हमें कभी दिया है और न्यायालय में भी हमने इसी पर सवाल खड़े किए हैं।
क्योंकि ये एफडी जो डिपॉजिट हो गई उसके बाद होने के बाद इसमें से मिलता हुआ ब्याज जनता के बिल में एडजस्ट होता है, वो होना बंद हो गया। तो एक सिक्योरिटी हेड जो है, रिक्वायर्ड सिक्योरिटी हेड यूपीसीएल द्वारा 2012 के लगभग आसपास में इंट्रोड्यूस किया गया, वो सिक्योरिटी हेड को चैलेंज हमने इस पीआईएल में किया है, जिसमें जनता का जो पैसा है वो जनता को जाना चाहिए। ये लॉसेस जो दिखाते हैं, वो लॉसेस जो हैं वो एक्चुअली उसके लिए एक उच्च जांच जो होनी स्तरीय जांच होनी चाहिए सरकार द्वारा, ताकि ये जो लॉसेस जो मेंशन करते हैं वो एक्चुअली में हो भी रहे हैं या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के हाल हैं। नानकबता में प्रशासन द्वारा किसान की जमीन पर सरकारी आदेशों के अनुसार भूमि कब्जे में लेने की शिकायत पर भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने पीड़ित किसान के साथ बैठक की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कहा कि पीड़ित किसान द्वारा भारतीय किसान यूनियन के नानकबता कार्यालय में मदद की गुहार लगाई गई है। इसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और पीड़ित किसान का पक्ष जाना गया। अब इसमें उप जिलाधिकारी से भारतीय किसान यूनियन संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी लेंगे और पीड़ित किसान को न्याय दिला सके इसकी भी प्रशासन से मांग करेंगे। विद्युत वितरण खंड श्रीनगर अब बिजली बिलों की बकाया रकम की वसूली करने में जुट गया है। नए वित्तीय वर्ष से पहले विद्युत विभाग उन सभी उपभोक्ताओं को सूचना दे चुका है जिनके बिल लंबे समय से भरे नहीं गए हैं। इनमें मुख्य रूप से सरकारी व गैर सरकारी विभाग शामिल है। वहीं विद्युत वितरण खंड श्रीनगर ने तीन बड़े संस्थानों को चिन्हित किया है जिन पर भारी भरकम बिल बकाया है। इसमें बीएसएनएल, जल संस्थान और नगर क्षेत्र के स्कूल शामिल है। राजस्व वसूली का कार्य हमारा लगातार चल रहा है और हमने पूर्व में दिसंबर माह में ही जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सबको जो है उस समय के जो भी ड्यूज थे उससे अवगत करा दिया गया था। पर्सनली हमने उपखंड अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी कि आप जाके सारे कार्यालयों में पर्सनली संपर्क करें। ड्यूज की यदि मैं बात करूँ तो जैसे भारत संचार निगम है, बीएसएनएल है, उस पर लगभग, हालांकि उनका 3-4 महीने में पेमेंट सेंट्रली आता रहता है, पर वर्तमान तक की मैं इस बात करूं तो इस समय उन पर लगभग 15 लाख रुपए तक का बकाया मेरे खंड से संबंधित है। इसी तरह से जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका भी अक्टूबर में लास्ट पेमेंट आया है, अक्टूबर 2021 में, लेकिन वो जो पेमेंट आया वो पार्ट पेमेंट के तौर पर आया है। और वर्तमान में जितने भी मेरे पास स्कूल्स हैं मेरे खंड के अंतर्गत उस पर लगभग मोटा मोटा लगभग इस समय 17 से 18 लाख रुपए तक का बकाया है। जल संस्थान में काफ़ी बकाया है इस समय, उनका पेमेंट पिछले माह भी जो है तकरीबन 2 करोड़। सुचारू यातायात व्यवस्था में प्रवर्तन और संचालन के साथ साथ जन जागरूकता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में स्टॉप लाइन के महत्व को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने स्टॉप लाइन का पालन करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया। इस दौरान बैनर सहित कई माध्यमों से जनता को जागरूक भी किया गया। साथ ही इसके अंतर्गत प्रत्येक दिवस स्टॉप लाइन का पालन करने वाले 200 वाहन चालकों को सम्मानित किया। इसमें लोगों को स्टॉप लाइन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग स्टॉप लाइन का सम्मान नहीं करते, उससे पहले वहां रोकते नहीं है, जो कि एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। इस वजह से टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ऑटो रिक्शा सभी को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और जो लोग स्टॉप लाइन का सम्मान कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव जो है महिंद्रा और सामाजिक कल्याण समिति की तरफ से की सहायता से हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य है कि दुर्घटनाओं में कमी आए। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई के लिए अभियान चलाने के लिए संतों ने हुंकार भर दी है। स्वामी यति नरसिंहानंद ने अपनी हालात का जिम्मेदार महात्मा गांधी और गांधीवादी विचार को बताया। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने घोषणा की है वह सर्वानंद घाट छोड़ रहे हैं और घाट छोड़कर पदयात्रा कर दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में गांधी समाधि पर जाकर अपना आमरण अनशन शुरू करेंगे। संतों द्वारा 27 फरवरी से शुरू होने वाले इस पदयात्रा को लेकर हरिद्वार सहित दूसरे स्थानों से भी संतों का समर्थन लेने की तैयारी चल रही है। नहीं मिल रही,
ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इसका विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। गांधी की प्रतिमा के सामने हम अमरण अनशन करेंगे, क्योंकि हम स्वामी जी हमारे ज्ञाननाथ जी योगी ज्ञाननाथ जी हैं, 4, 5, और 6 को हिमाचल में धर्म संसद हमारी होने वाली थी मार्च में, योगी जी और सत्यदेवानंद जी, इन्होंने वो धर्म संसद टाल दिया, क्योंकि अभी पहले हमें सबसे पहले अपने भाई के सम्मान के लिए लड़ना है। हम लोगों का मानना यह है कि हमारी दुर्गति का कारण गांधी और गांधीवादी विचार है और हम लोगों के पास ताकत है नहीं, तो हम गांधी की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन करके अपने प्राण देना चाहते हैं ताकि दुनिया जाने कि हिंदू की क्या दुर्गति और क्या दुर्दशा है। गांधी की प्रतिमा दिल्ली, गांधी की समाधि दिल्ली जाएंगे, वहीं पर आमरण। उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट बदली, जहां 2 दिन से हो रही बारिश के बाद निचले इलाकों में काफी ठंड बढ़ गई है, वहीं ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बर्फबारी के चलते विद्युत ऊर्जा ठप हो गई और गंगोत्री धाम में लगभग 2 फीट से ऊपर बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं और राहत की बात यह है कि राज्य में एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब राज्य में कोरोना के केस 1000 से नीचे आ गए हैं और राज्य में एक्टिव केसों की ये संख्या 51 दिन बाद नीचे आई है। वर्तमान में राज्य में 249 एक्टिव केस मामले हैं और इसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून में हैं। राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा 243 और हरिद्वार में 160 एक्टिव केस हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 170 लोग संक्रमित पाए गए हैं और इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि इसी दौरान 240 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।